बड़ी खबर आ रही है भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा को लेकर काफी दिनों से कश्मकश चल रही थी। महाविकास आघाड़ी की ओर से आज कांग्रेस ने टिकट जारी किया है दयानंद चोरगे, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के काफी करीबी माने जाते हैं। दयानंद चोरगे जो लोकसभा चुनाव के लिए भी इच्छुक थे और उनका पत्ता कट करके राष्ट्रवादी को यह सीट दे दी गई थी, और ऐसे में अब जाकर विधानसभा की उन्होंने मांग की थी दयानंद चोरगे ने, और उसके लिए वो इच्छुक थे। और भिवंडी पश्चिम इलाके से कई लोग इच्छुक थे, विलास पाटिल जो कांग्रेस के लिए इच्छुक थे, हाल ही में उन्होंने प्रवेश किया था कांग्रेस के अंदर और वो भी इच्छुक थे, लेकिन उनके रेस के अंदर बाजी मारी है दयानंद चोरगे ने, और दयानंद चोरगे का नाम कांग्रेस ने आज अपनी यादी में भिवंडी पश्चिम विधानसभा के तौर पर जारी कर दिया है। फिलहाल दयानंद चोरगे टिकट जारी होने के बाद फिलहाल अभी मुंबई में हैं और मुंबई से अभी रवाना होंगे भिवंडी की ओर, उसके बाद भिवंडी में उनका जश्न मनाया जाएगा। और टिकट मिलने को लेकर काफ़ी कांग्रेसियों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है, ग्रामीण इलाके में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं पर भिवंडी पश्चिम इलाके में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि टिकट के रेस में काफ़ी लोग थे, लगभग 18 लोग ने इच्छुक उम्मीदवार थे, जिसमें से दयानंद चोरगे को यह टिकट मिला है भिवंडी पश्चिम से। हाल ही में उन्होंने काफ़ी तैयारियां भी की थी भिवंडी पश्चिम इलाके से, ऑफिस का उद्घाटन भी किया था। और हम आपको बता दें कि फिलहाल यह टिकट जो है कांग्रेस ने दयानंद चोरगे को जारी किया है। स्पीड न्यूज़ भारत।